हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आज हम बनाएंगे पुदीने और केरी का बहुत ही शानदार शरबत, तो चलो बनाते हैं। पुदीना, केरी और नींबू का शरबत बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा लिया है पुदीना। इसको अच्छी तरह साफ पानी से 2-3 बार धो लें, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत होती है। तो हमने धो लिया है पुदीना। पुदीना गर्मियों में बहुत अच्छा आता है और हेल्दी भी बहुत रहता है, बहुत ठंडक करता है ये शरीर में। और दो ले ली है मैंने केरी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, केरी को इस तरह छील लेंगे, इसका छिलका ऊपर से उतार लेंगे। इस तरह हमने ऊपर से इसका छिलका उतार लिया है केरी का। अभी आप इसको पूरे अंदर की जो गुठली है वो भी निकाल सकते हैं और सीधे भी इसको हम उबाल सकते हैं। तो ऐसे कट लगा देंगे ताकि अच्छी तरह ये उबल जाए। अब क्या करेंगे, कुकर कर लेंगे और कुकर में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। केरी को हमने पहले धो के साफ करके सुखा लिया है, धोई हुई है, और इसको हम अब उबाल लेंगे। आधा गिलास पानी डाला है मैंने इसमें। हम इसको पका लेंगे, अच्छी तरह उबल जाए। 5-6 सीटी लग चुकी है। जब तक इसकी गैस नहीं निकलेगी इसको हम नहीं खोलेंगे, इसको हटा देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम चीनी की चाशनी बना लेते हैं शरबत के लिए। तो एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी। चीनी कम ज्यादा आप कर सकते हैं, और इसमें 1/2 कप डालूंगी पानी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब कुकर को हम खोल लेंगे, इसका गैस है वो निकल चुका है। केरी वो अच्छी तरह उबल चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ऐसी ही चाहिए हमें उबली हुई। अब इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद जो ये अंदर की जो गुठली है वो निकाल लेंगे। इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी अच्छी तरह घुल जाए और थोड़ा सा चिपचिपापन हो इसमें, इतना ही हमें करना है। 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। मिक्सी जार लेंगे हम, और इसमें हम जो ये केरी उबाली थी ये डाल देंगे, और इसके जो भी लगा है वो सारा उतार लेंगे, गुठलियां बाहर निकाल देंगे इसकी। हमारी केरी है वो ठंडी हो चुकी है। अब इसमें पानी नहीं डालेंगे और इसे थोड़ा सा पीस लेंगे, बारीक कर लेंगे। एक पेस्ट बना लिया है इस प्रकार, ये देखो। आप कम ज्यादा कर सकते हैं, पानी बिल्कुल इसमें नहीं डाला है, पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें पूरी गर्मियों के लिए शरबत बना के रखना है, तो पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। और इसी में अब पुदीना डाल देंगे। पुदीने में सुखा लिया है अच्छी तरह, पुदीने में पानी नहीं है बिल्कुल भी, और इसको भी साथ ही इसमें पीस लेंगे। इस प्रकार दोनों का बारीक पेस्ट बना लिया है, केरी और पुदीने का। अब हमारी जो शरबत के लिए चीनी मिक्स की थी वो भी तैयार हो चुकी है। यदि आपको ये गंदी थोड़ी सी ऐसे लगे गंदी चीनी से, तो दूध डाल के चाशनी को आप साफ कर सकते हैं। और इसमें अब डाल देंगे हम ये पेस्ट जो हमने बनाया था, ये डाल देंगे। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है और एक उबाल इसके आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, ये हम जो रोज नमक खाते हैं वो डाल दिया है, और थोड़ा सा डाला है काला नमक, 1 चम्मच मैंने काला नमक ली है, इसको भी डाल दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे। और 1 चम्मच लिया है भुना हुआ जीरा, इससे शरबत का टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। इनको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे फूड कलर। टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, बस दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, इसके लिए ही हम इसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। बस थोड़ा सा 1-2 मिनट
मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और हमारा शरबत है वो बनके तैयार हो जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं, सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और हम अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद मैंने जो 2 नींबू लिए थे इनका रस मैंने निकाल लिया है और ये डाल देंगे। बंद करने के बाद डालें ताकि जो हमारी शरबत के लिए हमने चाशनी बनाई है वो जमे नहीं। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। यदि आपको थोड़ा सा दरदरा लगे, मोटा लगे, तो आप जो बड़े छेद वाली छलनी है उसे ठंडा होने के बाद छान के रख सकते। पुदीने का शरबत है वो बनके तैयार हो चुका है इस तरह का। ये देखो, आप इसको क्या करेंगे, कांच की बोतल में डाल के फ्रिज में पूरी गर्मियों के लिए रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है इसलिए ये खराब बिल्कुल नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा जब भी कोई मेहमान आए, खुद पीने के लिए बनाना हो तो थोड़ा सा 1 चम्मच गिलास में, कांच के गिलास में डाल देंगे और इसमें 2-3 डाल देंगे आइस क्यूब। अब इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। प्रकार आप फटाफट शरबत बना के पुदीने का तैयार कर सकते हैं। बहुत हेल्दी भी होता है ये गर्मी के लिए और फटाफट बना के आप तैयार करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।